आपने टार्जन का नाम तो सुना ही होगा। अरे वो पेड़ों से कूदने वाला नहीं, बल्कि जंगल माफिया से लड़कर पेड़ों को बचाने वाली झारखंड की लेडी टार्जन जमुना तुडू का। अगर नहीं सुना तो आइए सुनते हैं। एक छोटे से बचाव से शुरू हुई एक बड़े पड़ाव तक के सफर की ये कमाल की कहानी। '98 में जब जमुना शादी कर उड़ीसा से झारखंड आई, तब अपने गांव के आसपास साल लकड़ी के पेड़ों की अवैध कटाई के कारण सिकुड़ते जंगलों को देख उनका दिल भी जैसे मुरझा सा गया। हमारे पिताजी को पेड़ पौधों से बहुत प्रेम था। बचपन में पिताजी के साथ हमने कई पेड़ लगाए हैं। वो पेड़ हमें जलती धूप में छांव भी देते थे और घर के चूल्हा के लिए लकड़ी भी। मेरा विश्वास है कि पर्यावरण हमें बहुत कुछ देता है और इसीलिए उसे बढ़ाना और बचाना हम सबका जिम्मेदारी है। बस यही समझाया जमुना ने अपने गांव वालों को। बात समझ तो सबको आई, पर डर के मारे सिर्फ 5 औरतें ही आगे आईं। और इन्हीं से बनी जमुना की पहली टोली, जो उठा के लाठी चल दी जंगल पहरा देने। हम अगर किसी को रोके तो वो हमें पूछता था कि क्या जंगल तुम्हारा बाप का है, तो हम कहते थे हाँ भाई आप ठीक कह रहे हैं, जंगल हमारा बाप का तो नहीं है, पर आपका बाप का भी तो नहीं है। कोई प्यार से समझा तो कोई जोर जबरदस्ती से, पर उसकी परवाह किए बिना ये टोली एक एक पेड़ बचाते अपने एक घने जंगल के सपने की ओर तेजी से बढ़ने लगी। पर फिर एक दिन हुआ एक बड़ा पंगा। ये माफिया लोग ट्रेन के जरिए लकड़ी का तस्करी करते थे। उसकी शिकायत करने हम लोग स्टेशन मास्टर के पास गए थे, तभी ना जाने कहां से हमारे पर खूब पत्थर पड़ने शुरू हो गए। इतना खून आने लगा कि एक मिनट तो हमको लगा कि शायद आज नहीं बच पाएंगे। कोई साधारण इंसान होता तो शायद थम जाता, पर कहा था ना ये कहानी है लेडी टार्जन की। इस हादसे ने ना सिर्फ जमुना तुडू के इरादों को और मजबूत बनाया, बल्कि आसपास के गांव में उनकी बहादुरी के किस्सों को और भी वायरल बनाया। देखते ही देखते जमुना की कोशिश एक क्रांति बन गई थी। झारखंड प्रशासन भी उनकी इस मुहिम में अब जुड़ गया था। धीरे धीरे उनकी वन सुरक्षा टोली 5 से 50, 50 से 5,000 और 5,000 से आज 10,000 के भी ऊपर आ खड़ी हुई है। 10 सालों में 125 एकड़ जंगल को बचाने वाली जमुना तुडू को भारत सरकार ने भी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा। बहुत कठिनाई का सामना किए हैं, पर हम रुके नहीं। अगर कुछ ठाना है तो बस उसकी ओर बढ़ते रहना चाहिए। बड़ी से बड़ी मंजिल तक बस ऐसे ही पहुंचा जाता है। 1 से 10,000 हुए ऊंचे ऊंचे हरे भरे से कुछ सपने साकार हुए। जमुना तुडू की ये कहानी हमें प्रेरणा देती है अपने इरादों को मजबूत कर उनकी ओर सूझबूझ से बढ़ते रहने की। और अगर आपका इरादा है पाना एक बेहतर आर्थिक कल, तो उसकी ओर ऐसे ही बढ़ने का एक जरिया है म्यूचुअल फंड के SIPs या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, जिनमें आप मार्केट की ऊंच नीच से निश्चिंत हो लगातार निवेश कर पा सकते हैं अपनी मंजिल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।